अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए तो फिर कोर्ट का रास्ता ले। आप लोग भी तो लगाते हैं ना रोज अदा, फिर कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? रोज एक फैसला सुनाते हैं, रोज एक मुलजिम मुजरिम बन जाते। अपनी सालगिरह इन बच्चों के साथ गुजार के बहुत खुशी हुई मुझे। सलार तो आते रहते हैं, आज मैं भी आ गई। ये तो हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। मैं तो बच्ची देखी। बिल्कुल। ये सब करने की क्या जरूरत है? इसे डैमेज कंट्रोल कहते हैं। किसी और आदमी के साथ मेरा नाम आ जाए उससे बेहतर है इन बच्चों के साथ तस्वीर आ जाए। जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है मुझे लगता है तुम्हारे मुतल्लिक ही होगी। पता है सालार, मुझे उस लड़की की पोस्ट देखकर इतना दुख नहीं हुआ जितना वो वक्त देखकर हुआ जिसका उसने मेंशन किया। वही टाइम था ना जब मैं जरार को एक्सपेक्ट कर रही थी और तुम अपनी जिंदगी में मगन थे। कभी कभी तुम्हारी हिमायत में सच में मुझे खड़े होने को दिल करता है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है। यू आर नेवर जेन्युइन विद मी। बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हैं आप। क्यों नहीं आना चाहते मेरे शो पे? कि मैं इस वाके को जरूरत से ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहता। लेकिन अटेंशन तो फिर भी मिल रही है, हर जगह आपके बारे में बात हो रही है और अच्छे अल्फाज में नहीं हो रही। क्यों बुलाना चाहते हैं? इसमें आपका भी नुकसान है। As far as I know, no one is interested in my perspective or yours. लेकिन लोग तो फिर भी सुनना और देखना चाहते हैं। आपको पता है ईमान के साथ सबकी सपोर्ट क्यों है? क्योंकि वो लोगों से जुड़ी हुई है, unlike you। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए। तो फिर कोर्ट का रास्ता ले। आप लोग भी तो लगाते हैं ना रोज अदा, फिर कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? रोज एक फैसला सुनाते हैं, रोज एक मुलजिम मुजरिम बन जाते। तो फिर मैं ना समझूं? वाकई मेरे फेवर में? शायद। क्यों? सकता है मैं कल्प्रिट हूँ, मैं झूठा हूँ और ईमान सच्ची। पता है सालार, लोगों को लगता है मैं बहुत ऊंचे खानदान से, बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, कभी स्ट्रगल नहीं किया, दुनिया नहीं देखी, लोगों की समझ नहीं आई। लेकिन एक बात मैं जरूर समझती कि आप दोनों में से कोई भी सच नहीं बोल। And that intrigues me a lot. देखिए ग्रे पीर और मंगल रात 9 बजे क्योंकि मैं ग्रीन हूं।